प्लस वन क्लास बेटा ट्रिग्नोमेट्री थ्री एच एक्सरसाइज का एट्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं. फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस थ्री अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. नाउ यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. कॉट स्क्वायर एक्स को हम चेंज कर सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री अपॉन साइन एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो. नाउ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम हमारे पास आएगा साइन स्क्वायर एक्स. ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज रहेगा प्लस थ्री साइन एक्स इधर जाएगा प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स उधर जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब ये कॉस स्क्वायर एक्स उधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया जीरो इंटू साइन स्क्वायर एक्स सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स उधर चला गया. ये जीरो इंटू साइन स्क्वायर एक्स इज जीरो. ये बना कॉस स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर थ्री साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. अब देखिए ज़्यादा हमारे पास क्या है यहाँ पे साइन एक्स ज़्यादा है तो हम कॉस स्क्वायर एक्स को भी साइन में चेंज कर देंगे. कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे लिखेंगे वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस थ्री साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो. नौ यहाँ से इकट्ठे करिए थ्री साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है साइन एक्स में. आप इसको दो मेथड से फैक्टर बना सकते हो. एक तो मेथड हुआ आपका सिंपल फैक्टर्स यहाँ से बना के सम प्रोडक्ट देख के और दूसरा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए. जैसे मर्जी आपकी बना सकते हो. मैं सीधे ही बनाती हूँ. सम हमारे पास आ रहा है थ्री एंड प्रोडक्ट कितना आ रहा है टू इंटू वन टू. तो बस इसके फैक्टर्स बना लो. हम यहाँ पे देखते हैं टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री को हम लिख सकते हैं टू प्लस वन. तो ये बनेगा टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. यहाँ से बेटा कॉमन निकलेगा हमारे पास टू साइन एक्स कॉमन निकल गया और अंदर बचा साइन एक्स प्लस वन प्लस ये भी सेम पूरा ही वन है यहाँ पे साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. ये हमने सम प्रोडक्ट देखा था. नाउ यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकल रहा है साइन एक्स प्लस वन इंटू टू साइन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो. अब आइदर और होगा आइदर दिस वन इज जीरो और दैट वन इज जीरो. ये आएगा आइदर साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो और टू साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो. अब यहाँ से हम सॉल्व करके वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. साइन के टेबल में वन किसकी वैल्यू होती है इसकी साइन नाइन्टी की. नाइन्टी मीन्स पाई बाय टू. तो ये माइनस अंदर जा सकता है क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. तो ये देखो यहाँ से क्या होगा फॉर्मूला डायरेक्ट लगेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू थीटा की जगह पे एक्स है एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन इंटू अल्फा. अल्फा हमारे पास माइनस पाई बाय टू है वेयर एन बिलोंग्स टू आई. तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो एन पाई प्लस माइनस हुआ माइनस माइनस वन की पार एन इंटू पाई बाय टू एन बिलोंग्स टू आई वेयर एन इज एन इंटीजर. नाउ इधर हमारे पास क्या बनेगा टू साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन और साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस वन बाय टू. ये होता है साइन थर्टी. तो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन थर्टी मीन्स पाई बाय सिक्स. तो ये माइनस भी अंदर जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस पाई बाय सिक्स. नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला लगाइए थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन की पार एन इंटू अल्फा माइनस पाई बाय सिक्स एन बिलोंग्स टू आई. अब ये एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस हुए माइनस माइनस वन की पार एन इंटू पाई बाय सिक्स वेयर एन बिलोंग्स टू आई. ये छोटा सा था क्वेश्चन था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन मैं करवाने जा रही हूँ इसका वो हमारे पास है सॉल्व टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू. देखिए टैन और कॉट में है आपको पता है टैन का उल्ट कॉट होता है तो हम यहीं से इसको सॉल्व कर लेते हैं. साइन कॉस में करने की जरूरत ही नहीं सिंपल बन जाएगा. टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट मीन वन अपॉन टैन स्क्वायर उसका उल्ट आ गया इज इक्वल टू टू. नाउ टेक एलसीएम. जब हम एलसीएम लेंगे ये आएगा टैन स्क्वायर थीटा और ये बनेगा टैन फोर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू. यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ टैन फोर थीटा प्लस वन इज इक्वल टू टू टैन स्क्वायर थीटा. नाउ इसको इधर ले आते लेफ्ट साइड पे ये बनेगा टैन फोर थीटा माइनस टू टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो. ये देखिए यहाँ पे ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है ये टैन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है और ये वन का बीच में माइनस है तो माइनस का. देखो खोल के देखो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये स्क्वायर हट जाएगा उधर चला जाएगा, उसको जीरो का रूट तो जीरो ही आएगा, ये बनेगा टैन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन को हम लिख सकते क्योंकि इधर स्क्वायर में तो इसको भी स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा वन का स्क्वायर, और टैन के टेबल में वन किसकी वैल्यू होती है टैन 45 की, ये बना टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन 45 मींस ये इसको इस तरह से लिख सकते हैं ना टैन पाई बाय फोर उसका स्क्वायर मींस टैन स्क्वायर पाई बाय फोर, तो टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर अल्फा, तो फॉर्मूला क्या होगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पर पाई बाय फोर है एन बिलोंग्स टू आई। नेक्स्ट स्टेप में आप पाई निकालना चाहते हो कॉमन निकाल सकते हो, नहीं भी निकालो तो तभी चलेगा। ओके बेटा थैंक यू।